हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो आने वाले 60 डेज में आपको तैयार कर रहे हैं आरएस के प्री एग्जाम्स के लिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट घोषित कर दी आरपीएससी ने, मोस्ट लाइकली 27-28 को होंगे। हालांकि लोगों के बीच में अफवाह है कि ये डेट आगे बढ़ती रहेगी, जैसे कि आरपीएससी की परंपरा रही, लेकिन केवल इस प्रजम्पशन पे कि एग्जाम आपके आगे बढ़ जाएंगे और उस तरह से आप तैयारी करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो देखिए, आप ही मान के चलिए कि 27 और 28 को ही आपके पेपर हो रहे हैं और आपके जीवन में इससे अभी इम्पोर्टेंट आने वाला समय कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो आने वाला समय है ये तय करेगा कि आप फर्श पर रहेंगे या अर्श पर रहेंगे। ये फॉर्मेटिव ईयर ऑफ लाइफ है आपकी लाइफ के, गोल्डन पीरियड जिसे कहा जाएगा, जो ये तय करेगा कि आप जो है अफसर बनेंगे या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे। तो सब जीवन के आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें उनको सबको ताक में रख दीजिए और अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप को एक रेजोल्यूशन लीजिए कि आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है लोगों को कि आपके अंदर क्या मादा है। उससे पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, सोशल बैकग्राउंड क्या रहा है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, फैमिली में आप सेटअप है या नहीं, सेटल्ड है या नहीं है, वो कोई भी चीजें मायने नहीं रखती है। जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो आपके लिए 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन 24 घंटे में आप कितना टाइम अपने लिए, अपने लक्ष्य को कितना आप जो डेडिकेटेड करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं, सिंपल काम की बात पे आते हैं जो कि हमारा शुरू से मोटो रहा है। एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को बहुत से लोग जो है मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने मेल भी किया, बहुत से लोग जो है फोन पे भी कांटेक्ट में हैं। मैं ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा, बहुत से लोगों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा। करीबन ऐसे 200-150 मैसेजेस हैं मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ रखे हैं जो मैं अभी खोल भी नहीं पाया हूँ। वो इसलिए नहीं कि मैं खोल के पढ़ना नहीं चाहता, वो इसलिए कि मेरी खुद की जो व्यस्तताएं बहुत ज्यादा है। मैं केवल आपकी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जेन्युइन पैशन है कि आप लोगों को 1 रुपया भी खर्च किए बगैर, आपको घर से बाहर एक पैर भी रखे बगैर, आप घर में रहेंगे, कोरोना से फ्री रहेंगे, सरकार की भी इस तरह से हेल्प होगी, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप बाहर आके जयपुर आके पढ़ेंगे या किसी बड़े सिटी में आके घर छोड़ के पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको जो चीज समझनी है, वो पहला जो थंब रूल है वो ये, आपको एग्जाम क्लियर करना है और एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञानवान बनने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट। आपके पास में 60 डेज है, 60 डेज इंटू 8 आवर्स करोगे तो आपके पास 500 घंटे से कम है आने वाले, और 500 घंटे में आपको प्री का सिलेबस कवर करना है। अब देखिए, मेंस की बातें भूल जाइए, क्योंकि मेंस के लिए जिन लोगों ने प्री पहले पास किया वो जरूर मेंस के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते। बहुत से लोगों के साथ में एक और डिलेमा है, बहुत से लोग यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं, 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, फिर इसका आरएस का प्रीलिम्स आ जाएगा, तो उस घालमेल में एक तरह से बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, तो उस पर कभी और बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि 60 डेज में प्रीलिम्स कवर करना है, क्या क्या चीजें शॉर्ट में पढ़ें जिससे हमको क्वेश्चंस मिले। तो मैं आपको पहले बार बार पारेटो का लॉ बताता रहता हूं कि 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं। आप 20% उनको फोकस करो तो आपको 80% मिलने का मतलब यह है कि आपको लार्जली क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50% आपकी कट ऑफ रहती है। तो थोड़ा सा भी अगर एफर्ट मारोगे, बहुत ज्यादा अति दुर्लभ तथ्यों के पीछे, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक्स के पीछे, जो चीज आपको समझ में नहीं आती, कल्चर का एक मैंने पार्ट करा, इसमें आपको कल्चर के कुछ रीजंस बताए, बहुत से लोगों के डिप्रेशन में, अरे इतनी बातें, चौमेला कहाँ पर है ना, वो जो है खैरपुर कहाँ पर है, या अलग अलग जो रीजनल लोकल हमने नेम दिए थे कि कौन से काठड़ कौन सा एरिया है, और ये जिसको कहा जाता है माड़ कौन सा एरिया है, ये क्षेत्र जो कुछ मैंने उस दिन आपको बताए थे। तो ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं हो रहे तो अभी हम क्या करें, नहीं हो रहे तो छोड़, भूल दवा, कोई बात नहीं, आपको तो केवल 50% मार्क्स लाने, तो इसके लिए आप 70-80% मेहनत कीजिए। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। अब मैं कई बार देखता हूँ, कल परसों ग्रुप पे किसी ने शेयर, देखो वो जिसने भी शेयर की मैं उसको पर्सनली, आई हैव नो ग्रज फॉर एनी स्टूडेंट, एनी टीचर, एनी बुक, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी आपके जो टॉप चलाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे सब पर्सनल बहुत पुराने, बहुत अंतरंग मित्र है मेरे, कोई इशू नहीं किसी के साथ। बट मेरा पॉइंट ये है आपसे कि काम जो करने जा रहे हैं उस काम को साधना ही हमारा लक्ष्य है। हमारी लाइफ में ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम किसको खुश रख रहे हैं किसको नहीं रख रहे हैं। आपके जीवन में आपका एक ही लक्ष्य, आप अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, और किसी को खुश कोई हो नहीं हो, आपका मित्र या दूर दराज के रिश्तेदार वो तो हमेशा नाराज रहेंगे, रहे तो रहने दो, तो वो हमेशा और आपके पेरेंट्स आपसे कभी नाराज नहीं रहेंगे, चाहे वो दिख भी रहे होंगे तो अंदर से जो है वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। तो उनके अलावा आपको किसी को भी अपनी सोशल बैलेंस बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बाकी काम आपको पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई कीजिए, समय कम है, केवल पास होने के लिए पढ़िए और कुछ नहीं।
टॉप करने के लिए पढ़ेंगे मेंस में, तो पास होने के लिए हमें 50% कट ऑफ, इस बार ज्यादा से ज्यादा होगा तो 60% रहेगी, जिसकी संभावना लगभग न्यून है, तो उतना ही पढ़िए, बाकी की सब चीजें आप छोड़ दीजिए। अब 1500 पेज की किसी ने लक्ष्मीकांत की बुक शेयर की ग्रुप के अंदर, अब 1500 पेज को आप भैया आपका पढ़ोगे, एक लक्ष्मीकांत की बुक तो आएगी नहीं, 1500 पेज पढ़ने का मतलब है कि 30 डेज तो आप उसको डेडिकेटेड लोगे, वो भी प्रोवाइडेड कि रोज के आप 100 पेज पढ़ते हो और उसके बाद में अगले 15 दिन आप रिविजन करोगे, तो ऐसे काम कृपया मत कीजिए, आप समझिए। इसलिए मैंने ग्रुप में डाला कि आपको अगर 3 साल का समय है तैयारी करने का, देन यू मस्ट गो फॉर दैट बुक। किताब बहुत अच्छी किताब है, सारी किताबें अच्छी होती है, हर ज्योग्राफिक किताब है, पर्वत पठार नदियां दी हुई है, हर इकोनॉमिक किताब है, मुद्रा वुद्रा मनी मार्केट स्टॉक मार्केट वगैरह सब दिया हुआ है, हिस्ट्री में वही अकबर वही जो है महाराणा प्रताप सब जगह वही दे रखे हैं, सब किताबें अपने आप में ठीक है, ऐसी कुछ नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको यू हैव टू कैरी योर हेड ऑन योर शोल्डर, दैट्स इट। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको आपके जो मगज में चीजें आपने एसिमुलेट करके, जो आपने इसको एसिमुलेट की धारण की है, आपने इसको जिसको इंटरनलाइज किया, वो चीजें काम करेंगी। तो कृपया अपने जीवन के साथ में धोखा मत कीजिए, अपने प्रति 100% ब्रूट सिंसियरिटी रखिए, और वही सफलता का सबसे बड़ा स्वर्णिम सिद्धांत है। बहरहाल बात करेंगे सिलेबस की, मैंने आपको सिलेबस ग्रुप में भी दिया था, तो उसको इस तरह से तोड़ के भी दिया था कि आप उसको जो है जहां भी पढ़ते हो वहां चिपका के रखिए। सिलेबस ही आपकी पिच है जिसमें आपको खेलना है, सिलेबस ही वो कोर्ट है जिसमें आपको टेनिस खेलना है, सिलेबस ही जो है वो रिंग है जिसमें आपको मुक्केबाजी करनी, इससे इधर उधर नहीं जाना, इससे इधर उधर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, आप नीरज चोपड़ा को, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको अंदर से आपको आपके अंदर से स्पार्क नहीं आ रही, तो नीरज चोपड़ा की फोटो लगा के देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पा रहा है, देश का नाम रोशन किया है, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है, तो आप भी अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश संप्रदाय के लिए एक नीरज चोपड़ा। तो सिर्फ मेहनत, खालिस मेहनत और दिमाग से की भी स्मार्ट मेहनत ही आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। बहरहाल हम बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस में आपको इसमें वो टॉपिक बता रहा हूँ, एटलीस्ट आप वो चीजें देख लीजिए, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, इसमें जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इतने तो बेर मिनिमम आप देख लीजिए, 60-70% क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभी आप उन्हीं को जो है मगअप कीजिए। हिस्ट्री की अपनी सीरीज चल रही है, उसमें मैंने कोशिश की है, जैसे मेवाड़ की हिस्ट्री आप नॉर्मली आप पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट 8-10 hours चाहिए, तो मुझे लगता है हमने 2 घंटे में पूरी कर ली। चौहानों में कितनी डायनेस्टीज है वो भी हमने शॉर्ट में पूरी कर ली, मारवाड़ का इतिहास कर लिया, बीकानेर का इतिहास कर लिया, ढूंढाण का इतिहास के लिए ऑलमोस्ट राजवंश कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप मनोयोग से पढ़ोगे वो चीजें भी नोट्स आपको साथ में मिल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, बट कोशिश कर रहा हूँ आपको साइमल्टेनियसली दूं, तो ये सब चीजों में समय भी लगता है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, आई हैव नो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब है कि मेरे पास जो टीम के नाम पर जो है मेरा केवल वीडियो एडिटर और कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है दुनिया भर की जो है और एंगेजमेंट्स हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ टू लिव अप माई वर्ड्स, आप भी कोशिश कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स की, पहला टॉपिक है राजस्थान के, ये राजस्थान पहला जो सेगमेंट आता है वही आता है राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान में आर्ट्स, राजस्थान में लिटरेचर, राजस्थान में परंपरा विरासत ट्रेडिशन हेरिटेज वगैरह क्या 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 पूछा जाता है इसमें। तो सबसे पहले हिस्ट्री वाला पार्ट आया राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक स्थल, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है उसी को मैंने इसमें दिया। अब इसमें क्या देखना, प्री हिस्टोरिक में भी आगे टुकड़े करके दिए हुए हैं पूरा पाषाण से, यानी ये आपके पैलियोलिथिक से लेके और कैल्कोलिथिक तक, जिसको हम जो है ताम्रपाषाण या कांस्य युग तक बोलते हैं, ताम्रपाषाण युग ही बोलते हैं, ये एक ही है, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक एक ही है। तो पूरा पाषाण में आपके 3 टॉपिक आपके आ जाएंगे, पूरा यानी ये पूरा पाषाण वाला पार्ट, फिर मध्य पाषाण मेसोलिथिक, मध्य पाषाण, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन हमेशा सिलेबस में मैंने आपको बोला पारेटो का लॉ लेके चलना है कि 20% में 80%, तो शुरू के 2 यूनिट और लास्ट के 2 यूनिट में आपको 30% क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपने आपको पेपर सेटर मान के चलिए और आपको बोला जाए कि पेपर सेट करना, तो शुरू के यूनिट से आप क्वेश्चन पक्का उठाएंगे, और वेरी फर्स्ट टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अब इन राजस्थान की हिस्ट्री में अगर आप प्री हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, इसका 15 मिनट का वीडियो भी अलग से बनाऊंगा इस पर, प्री हिस्ट्री में आपको क्या क्या ध्यान देना, लेकिन आपको प्री हिस्ट्री में अच्छा मध्य इसमें क्या देखो 3 पार्ट आपको होता है, पूरा पाषाण मध्य पाषाण और नव पाषाण यानी नियोलिथिक, ठीक है। अब पूरा पाषाण के भी आगे 3 पार्ट हैं, लोअर यानी निम्न, मिडल यानी और जो अपर यानी उच्च, ये 3 पार्ट हैं। इस वाले पोर्शन में से क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कम संभावना, इसमें कम संभावना है, क्या पूछेंगे आपको इसमें केवल यानी स्थल याद रखने हैं, वो मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा आपको दे दूंगा,
कौन कौन सी ऐसी प्री हिस्टोरिक टाइप पीरियड है जब मानव जो था खाद्य संग्राहकता राजस्थान में मिलती है, चाहे वो चित्तौड़ में मिलती है, मेडस नदी के पास मिलती है, अरावली में मिलती है, लूनी उद्योग है उस समय के जो पत्थर मिलते हैं वो कैसे यूज करते थे, पुराने पत्थर बड़े कोर के बने होते थे फिर उनमें से चिप ऑफ करके छोटी चीजें बना देते थे, जैसे जैसे होमो सेपियंस सेपियंस का मस्तिष्क का विकास होते गया वैसे वैसे उसके हथियार जो है कम होते गए। शुरू में मनुष्य जो है यूज नहीं करता था मेटल को किसी को, सबसे पहला कॉपर बना, फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैनकाइंड, तो कॉपर से यानी कांस्य से ये जो है बनता है और यहाँ से कांस्य युगीन सभ्यता स्टार्ट होती है। तो उससे अब सुनने में लग रहा पता नहीं बाप रे क्या क्या दे दिया क्या पूछ, कुछ भी नहीं है, इसको आप बिल्कुल वैसे मत हेड ऑन लीजिए, बाप रे बाप क्या पूछ ले इसमें, तो हम तो तैयारी कैसे करेंगे कहां से पढ़ना है, मुश्किल से 20 स्थल है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है वो उसका वीडियो बनेगा जब मैं आपको दे दूंगा। अभी राजवंश अपने खत्म हो जाए, दो बच गए, एक परमारों का प्रत्यारों का हो गया, फिर ये राजवंश खत्म है, फिर अपन इसमें आएंगे, फिर सिलेबस वाइज चलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है परेशान है, परेशान मत होइए, ये ऐसा एग्जाम है नहीं, जैसे आपने 12th पास की 10th पास की ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया वैसा ही एग्जाम है, इसको जितना हेड ऑन लोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी जो खराब होगी। 60 डेज बहुत होते हैं, आप अपना जो है टॉपिक्स किस तरह से बांटिए, 40 डेज में एक बार तैयारी करेंगे और अगले 20 डेज में 3 या 4-5 बार जो है रिवीजन करेंगे, दैट्स इट। 40 डेज का अभी जो है आप अपना प्रोग्राम बन के चलिए, 40 डेज का मतलब है 40 into कितने आवर्स अपने आप को डेडिकेट करते हो आप, 6 आवर्स करते हो पर डे, 8 आवर्स करते हो, 10 आवर्स करते हो, 12 आवर्स करते हो, लेकिन देखिए सही आपका माइंड बॉडी में तारतम्यता रहे और तैयारी आप कर सको, 6 घंटे ज्यादा आदमी पढ़ नहीं सकता, 8 घंटे कर रहे हो तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो तो आप अपने शरीर से कष्ट ले रहे हो, और अपने शरीर का जितना भी आप निचोड़ लेना आप लीजिए, अब अगर आप 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, हो सकता है आपकी पढ़ाई का आउटपुट 6 आवर्स का ही आए, लेकिन आपको एक भी सेकंड जाया नहीं करना है, समय नहीं है हमारे पास। तो ये जो मोबाइल पे देखते रहते हो ना ये लोगों को कुछ भी कुछ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई परीक्षाएं पास नहीं की है, उनके वीडियोस देखोगे या जिनको सफलता मिली भी नहीं है पूरी मिली है कोई अश्योर नहीं है, कृपया इन चीजों मत देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी लाइफ है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तो ये एंटरटेनमेंट बाद में करते रहना, कौन क्या पढ़ा रहा है कैसे जो है रंगीन कमीजें पहन के लोग जो पढ़ा रहे हैं भूल जाइए अभी आपको, ठीक है, स्ट्रिक्ट प्लस सिलेबस। तो ये इसमें पहला आएगा पूरा पाषाण, पूरा पाषाण में आपको 5-6 स्थल याद रखने है। उसके बाद में मध्य पाषाण को मेसोलिथिक बोलते हैं, मनुष्य ने जब जो है पशु पालना स्टार्ट कर दिया, मुश्किल से 3 या 4 स्थान है राजस्थान के, मुश्किल से बागोर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो नेशनल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, उसके आसपास कुछ पूछा जाएगा इसके अलावा कुछ नहीं। नवपाषाण विच इज कॉल्ड नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड इज अ पीरियड व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डोमेस्टिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ प्लांट इज नोन एज एग्रीकल्चर कल्टिवेशन, पादपों का जो पालतूकरण करना जो कृषि कहलाता है, मनुष्य ने कृषि का प्रारंभ किया, और डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल रेयरिंग, पशुपालन उसको कहा जाता है, हमने मध्य पाषाण में कर लिया। मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन जाता है नवपाषाण काल में राजस्थान में, कहां पे पहले पहले खेती के साक्ष्य मिलते हैं, 5-6 स्थल बनते हैं मुश्किल से बस, और कोई सवाल नहीं। किसने खोज की, एक उसका नाम कार्लाइल वार्ले नाम के हैं, ठीक है, जहां पे बहुत सारे पत्थर मिल जाते हैं उनको उद्योग कहा जाता है, इंडस्ट्री कहा जाता है, कुछ लोग संस्कृति वर्ड यूज करते हैं। तो कुल मिला के इस टॉपिक में यही चीजें आपको पढ़नी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो अगला पीरियड आता है वो अगर हम इस सेंस में देखा जाए कि उस समय की सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थितियां कैसी थी, तो इसमें चीजें आपको समझनी आवश्यक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अगला जो पीरियड है वो वैदिक है, वैदिक काल है। वैदिक पीरियड का अगर पीरियड देखा जाए तो 1500 BC से लेके और 600 BC, उसके बाद में बौद्ध और जैन काल है जो इंडिया की हिस्ट्री जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे, ये आ जाएगा करीबन 600 से लेके और 300 BC। फिर मौर्य काल जो है वो करीबन 300 से लेके और 150 BC को लेके चलो, और उसके बाद में मौर्योत्तर के बाद में, इधर मौर्योत्तर का पीरियड जो है वो 200 BC से लेके और 380 तक, मौर्योत्तर के बाद में गुप्त जो है वो 300 AD से लेके 300 ईस्वी से लेके लगभग 600 AD, और फिर गुप्तोत्तर जो है वो 600 से लेके और ये 750 AD तक, ये पूरा प्राचीन राजस्थान में। अब राजस्थान में इसका जो पीरियड है वैदिक काल का, इसमें केवल जो कुछ स्थान ऐसे हैं उत्खनन में मिले जहां से वैदिक से हमको चीजें मिलती है, तो इसमें से कोई भी सवाल वैदिक वाले में से आने की संभावना बिल्कुल कम है, कोई सवाल बड़ा सवाल नहीं बनता जिससे एग्जामिनर बड़े क्वेश्चन छोड़ के, कालीबंगा को छोड़ के या प्री हिस्टोरिक साइट्स को छोड़ के, बागवर वगैरह को छोड़ के इसमें से पूछे। फिर आ गया
बौद्ध और जैन का काल। तो इसमें जो जैन और बौद्ध धर्म जब प्रारंभ हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय राजस्थान के कौन कौन से स्थान है जिसमें, जैसे अगर भाबरू का, हालांकि वो मौर्य काल में भी आ जाएगा, बैराट का, जो ये उत्खनन में जो चीजें मिलती हैं, ठीक है, या इस समय की जो सिक्के अगर मिलते हैं राजस्थान में, ठीक है, या उस समय का कोई अभिलेख मिलता है, हालांकि अभिलेख इस पीरियड का राजस्थान में है भी नहीं, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग न के बराबर है। एक आधा अगर पूछा जाएगा तो उस समय की भाबरू या बैराट अभिलेख जो है वो आगे, हालांकि मौर्योत्तर से रिलेटेड लेकिन बहुत जैन से है, तो इनमें से कोई सवाल बनता, बाकी कोई सवाल नहीं बनता। फिर है मौर्य काल। मौर्य काल में राजस्थान के पीरियड के बारे में कोई भी किताब में कोई बहुत बड़े फैक्ट्स या कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना लगभग न्यून है। वैसी की वैसी स्थिति जो है मौर्योत्तर की है। टॉपिक्स है, मैं आपको करवाऊंगा भी, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना के बारे में। फिर आ जाओ गुप्त पीरियड में। गुप्त पीरियड में एक या दो टॉपिक बनते हैं कि राजस्थान के वाले जो क्षेत्र जो थे, जिसमें जो कि गुप्तों के अधीन आते थे, जो नाग, जिसमें जैसे रीमा ऊर्जा में दिया हुआ नाग से रिलेटेड बहुत सी चीजें मिलती है, तो उसमें नागवंश भी था गुप्तों से जस्ट पहले के समय, तो वो कुछ वो वैसे फैक्ट है, रेयर फैक्ट है, लेकिन उसमें से कोई सवाल पूछे जाए उसकी संभावना लगभग न के बराबर है। और उसके बाद में जो है हर्षवर्धन का काल है और राजपूतों का उदय का काल है, तो राजपूतों का उदय तो हम अलग से हम टॉपिक में देखेंगे। गुप्तोत्तर काल में राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक या दो, कोई एक आधे पॉइंट बनते हैं, हालांकि इसमें भी संभावना लगभग जो है तो न के बराबर है। तो पॉइंट क्या मेरा कि राजस्थान की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और राजपूतों के उदय तक के पीरियड में सवाल लगभग न के बराबर है। ठीक है, बहुत एफर्ट मारोगे तो आप दो चार जो है समुद्र से निकाल के ले आओगे, दो चार मोती पढ़ के और खुश हो जाओगे आसपास लोगों में इंप्रेशन जाड़ने के, लेकिन सवाल नहीं बनते हैं। एक आधा कोई रेयर है उधर रेयर बन जाता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं, इन इस पोर्शन में से सवाल आने की संभावना लगभग न्यून है। जो होंगे मैं आपको वैसे इस पे कराऊंगा एक टॉपिक, 30-45 मिनट का एक पूरा अपन चैप्टर लेंगे इसमें, जो जो बनते हैं वो आप देख लेना समय मिलेगा, लेकिन फिर भी संभावनाएं प्रश्न बनने की नहीं बनती। अब राजस्थान के इतिहास में प्राचीन काल जो हमने प्री हिस्टोरिक से लेके और राजपूत काल के प्रारंभ होने तक, यानी पूर्व मध्य काल से पहले तक का किया, उसमें से क्वेश्चन जिन पोर्शन में से आते होते आते, लेकिन मूल रूप से जब इतिहास की बात होती है, जैसे हमने भी स्टार्ट करा था, वो करा था राजस्थान के विभिन्न राजवंशों से, तो उन राजवंशों में एक एक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ राजनीतिक और सांस्कृतिक, मतलब पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट। तो अब ये जितने भी वंश है, जैसे अब इसमें गोहिलोत है, तो गोहिलोत का अगर हम देखा जाए तो इसमें सबसे पहले राजनीतिक में क्या, राजनीतिक में क्या आएगा, राजनीतिक में सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे संस्थापक, सभी के आपको संस्थापक याद रखना, ठीक है। फिर कोई युद्ध इंपॉर्टेंट हुआ, कोई संधि इंपॉर्टेंट हुई है, कोई विजय हुई है, बस मूल रूप से ही मानी जाती है। तो गोहिलोत की जब भी आती है तो संस्थापक एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गुहा जितवर। इसके बाद में आपको बप्पा रावल के बारे में पूछ सकते हैं, बप्पा रावल, तेज सिंह, जैत्र सिंह और रतन सिंह, बस ये पढ़ लें। इसके अलावा कि गोहिलोत वंश आपको नहीं पढ़ने, मेवाड़ के गोहिलोत वंश से पढ़ने। उसके बाद में जैसे प्रतिहारों की बात आती है, तो प्रतिहारों की अलग अलग शाखाएं इसमें रही है, तो दो राजा इंपॉर्टेंट, संस्थापक तो पढ़ने ही आपको, संस्थापकों के अलावा अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट राजाओं में जैसे नागभट हो गया और मिहिर भोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी जो पढ़ने आप पढ़ना, लेकिन इनके बारे में आपको ज्यादा, और जो इंपॉर्टेंट युद्ध वगैरह, चौहान है, चौहानों के कई वंश है, चौहान जो है शाकंभरी के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है, आपके कोटा के हाड़ा हो गए, बूंदी के हाड़ा हो गए, उसके बाद में नाडोल के आ गए, उसके बाद में देवड़ा चौहान हो गए, उसके बाद में आपके जालौर के चौहान हो गए। बट जो इसमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है वो तीन राजवंश इनके संस्थापक, तो मेन हो गए आपके शाकंभरी या अजमेर के, अजमेर शाकंभरी, ठीक है, और उसके बाद में आपके हो गए रणथंभौर, और उसके बाद में हो गए आपके ये बूंदी कोटा, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी वाले कम इंपॉर्टेंट, तो पहले इनको आप करो। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट राजा आपको इसमें याद रखने, एक तो आपको याद रखना है विग्रहराज चतुर्थ फोर्थ और एक पृथ्वीराज तृतीय, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से ज्यादा आएगा ये,
रणथंभौर में हमीर इम्पोर्टेंट है, हमीर का मतलब हमीर का पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। और बूंदी कोटा में जो है, बूंदी कोटा के वैसे तो देखो राजा संस्थापक वगैरह पढ़ने, बाकी जैसे छत्रसाल हो गया, शत्रुसाल हो गया, सुरजन हो गए, इन ये जो है इम्पोर्टेंट इस बात है, खासकर जो है जहांगीर और औरंगजेब के समय के, वो आपको ज्यादा ढंग से कालीन शासक, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में, जैसे उमेद सिंह कोटा का जो है आगे श्री जी कहलाता वगैरह, वो ये माने जाएंगे। फिर परमार है, परमारों में केवल आबू के परमार ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी और इसमें भी संस्थापक वगैरह सभी इसमें सबसे कम संभावना इसी में से पूछे जाने की है। फिर राठौड़ है, राठौड़ों में आपके दो इंपॉर्टेंट, वैसे तो कई वंश हैं, जोधपुर यानी मारवाड़, जोधपुर राजा और बीकानेर, ठीक है। अब जोधपुर में संस्थापकों के बाद के जो शासक अगर देखे जाएंगे तो मालदेव, मालदेव के बाद में रामचंद्र सेन, जसवंत सिंह फर्स्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बीकानेर में बीका के अलावा अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनता है मनूप सिंह, ठीक है, कल्चरल भी और पॉलिटिकली ठीक माना जाए तो राठौड़ हो गए। फिर सिसोदिया, सिसोदिया में आपको सांगा, कुंभा, सांगा, प्रताप, उदय सिंह के से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके अमर सिंह, राज सिंह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमर सिंह सेकेंड और भीम सिंह के साथ कृष्णा कुमारी के जो इंसिडेंट है, तो ये और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रताप, ये राजा तो कम से कम आपको ठीक से आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनमें से क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो है उसकी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाए। अब अगली जो चीज इसमें जो समझने की है वो ये कि आपको इनकी कल्चरल, कल्चरल में जब आप इनमें देखोगे तो सबसे ज्यादा कल्चरल की अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कल्चर की बात अगर हम करें तो धर्म, संगीत, धर्म व दर्शन, संगीत, वास्तु, साहित्य, ये सेगमेंट रहते हैं हमेशा संस्कृति के अंदर। तो इस समय में खास करके जैसे संगीत के ग्रंथ, वास्तु की इमारतें वगैरह, ये इसमें अगर आप देखोगे तो धर्म में नाम में आपको वैष्णव, शैव, थोड़ा बहुत जो है, सॉरी एक सेकंड, शाक्त और जैन, उनसे संबंधित कोई या दर्शन के नाम पर कुछ हुआ हो, खास करके धर्म संस्कृति के नाम पर जब भी जो पूछा जाता है। अच्छा एक इसमें मैंने आपको कछवाहा बताना भूल गया था, मैं कछवाहों में इंपॉर्टेंट जो थे वो अगर पॉलिटिकली यही लिख लो आप इसको, कछवाहों में सबसे इंपॉर्टेंट मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, बस ये तीन पर्सनलिटी। उसके अलावा ईश्वरी सिंह, माधो सिंह वगैरह जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन तीन राजाओं के बारे में आपको पढ़ना। संगीत के ग्रंथ जो अलग अलग से, खासकर कुंभा के समय के वगैरह जो लिखे गए हैं, तो वास्तु के नाम पर किले, महल, मंदिर और जल स्थापत्य, उनके समय में कोई बावड़िया अगर इत्यादि जो है बनी, बस वो आप समय। साहित्य में इसमें मेन जो है वो डिंगल साहित्य किसके समय, खासकर मारवाड़ बीकानेर के समय के डिंगल साहित्यकार कौन से थे, संस्कृत के साहित्यकार कौन से थे, कभी कभी ब्रज के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हर राजाओं के समय में जहां भी आपको, मैंने आपको जो करवाए भी है जो आपको टॉपिक्स, उसमें ये सब चीजें जहां मिले वो आपको डिटेल में देखने, राजनीतिक से ज्यादा सांस्कृतिक इतिहास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरा पार्ट राजस्थान के इतिहास का अगर आप समझोगे वो ये है कि राजस्थान के इतिहास में मध्यकालीन शासन में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था,
अब प्रशासनिक और ये व्यवस्था में देखो क्या प्रश्न, सिंपली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें पूछते क्या क्या है। इसमें अगर आप देखोगे कि सभी राजवंशों में किसने जो है नया कोई विभाग बनाया है, ठीक है, नया कोई जागीरदारी सिस्टम, जैसे जागीरदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया है। बहुत आपको जो है ना मूल रूप से 5 या 6 से इंसिडेंट आएंगे जब आपको पता चलेगा राजस्व में कुछ चेंजेस की, जैसे मेवाड़ के राजाओं ने जो है जब मुगलों के साथ में संधि हुई, खास करके अमर सिंह और करण सिंह के समय में, तो राजस्व व्यवस्था में उन्होंने क्या चेंज किए थे। तो कभी कभार ऐसे कोई नया विभाग बना दिया, बहुत रेयर सुनने को मिलेगा। फिर है राजस्व व्यवस्था, यानी सरकार को कर कहां से मिलता था, कोई नए प्रकार का कर या कर व्यवस्था से संबंधित कोई भी चेंज किया हो, ठीक है, तो उससे कोई प्रश्न बनेगा जिसकी संभावना कम है, बहुत रेयर ऐसे मौके आएंगे। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा इसमें 15-20 टॉप पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। तो मध्यकालीन में प्राचीन राजस्थान खत्म हो जाता है, आधुनिक राजस्थान का उदय हो जाता है 1900, यानी आप ये समझ लीजिए ये 1800 से लेके और 1947 तक ये अंग्रेज भारत आ चुके हैं, और भारत में जैसे जन जागृति आई वैसे राजस्थान में भी राजनीतिक जागृति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा जो अभी तक हमने जो की है कालीबंगा वगैरह उसके बाद से लेके और राजपूत राजवंशों के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जागृति का मतलब क्या है, जागृति का मतलब राष्ट्रवादी विचार, ठीक है, उसके बाद आर्य समाज की भूमिका, और शिक्षा का विकास। इन तीन चीजों ने राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये कैसे बड़ा, कैसे राजस्थान के लोगों को लगा कि राजा शोषण कर रहे हैं, राजा जो है वो अंग्रेजों द्वारा शोषित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां से भी आपको पढ़ने का मौका, आपने पहले पढ़ चुका वहां से पढ़ लीजिए, मैं जो करवाऊंगा उसको आपको शॉर्ट में करवाऊंगा, अभी समय ज्यादा अपने पास में बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने पहले से इसकी किताब जो आती है वो बिल पनगड़िया की किताब आती है जो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, कुमचंद जैन सिंह वाली, वो भी कर सकते हो आप, जो भी किताब आपने पहले पढ़ी उससे आप कर सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे लोगों को मालूम चला कि वो जो है एक राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उनका शोषण कौन कर रहा है। फिर अब राजनीतिक जागरण में हर चीज की भूमिका होती है, उसमें राजनीतिक संस्थाएं और समाचार पत्र, अलग से प्रश्न आता है। पुराने वाले राजस्थान अध्ययन में भी इस पे टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखा था, कौन कौन से समाचार पत्र थे, सज्जन कीर्ति सुधाकर से लेके पहले समाचार पत्र से लेके राजस्थान समाचार से लेके त्यागभूमि इत्यादि कौन कौन से अखबार थे, वो बहुत डिटेल में उसको अच्छे से दिया, वो आप पढ़ लेना, ये टॉपिक है, इस पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। राजनीतिक संस्थाएं, ना तो हमारे राजस्थान में उस तरह की कुछ संस्थाएं बनी जो कि उस तरह की थी जो केंद्रीय स्तर पर थी, लेकिन फिर भी अगर कोई मध्य राजपूत सभा बनी है, मध्य भारत सभा बनी है, या ठीक है, या प्रजामंडल आंदोलन बने हैं, उन वो आपको मुश्किल से 15 या 20 ऐसे जो पॉइंट्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, पर इनको आपको फोकस करना है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भारत में भी जैसे जनजातियों का आंदोलन चले, वैसे राजस्थान में भी चले, और वैसे वैसे किसान आंदोलन भी चले, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। इसमें आपको जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न जिस पार्ट से जनजातियों में जो फेवरेट है, जो भील आंदोलन जो फेवरेट, पहला सबसे बड़ा फोकस इसी पे करना है, बाकी का आंदोलन बाद में करें, ठीक है। किसानों में बिजोलिया फेवरेट है, इसको डिटेल में करना है। उसके बाद जो है चाहे बेंगू हो चाहे वो मारवाड़ का हो या सीकर का हो, जो ये आंदोलन है ये आपको सेकेंडरी रखना है, मेजर ये दो आपको ढंग से करने हैं। आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए, किसानों को करने के लिए, समझना कैसे, मैं आपको टॉपिक कराऊंगा कि क्या क्या उनकी मांगे रहती थी, वो आपको डिटेल में करना, लेकिन ये दो टॉपिक्स जो है आपको ज्यादा ढंग से करने हैं। अब अलग से प्रजामंडल का दे रखा है, प्रजामंडल आंदोलन को डिटेलिंग में दे रखा है। अब थोड़ा सा आपको ये समझने की आवश्यकता है, प्रजामंडल आंदोलन करेंगे डिटेल में, प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान की देसी रियासतों में, देसी रियासतें 2 या 3 प्रकार की, एक देसी रियासत होती है जहां एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, राजा जो निरंकुश होता है वो चाहे जो कर सकता है, दूसरा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है जहां संविधान के अधीन काम करता है राजा, तो संविधान जब बनेगा वो संविधान जो है वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो प्रजामंडल आंदोलन ने कभी भी नहीं चाहा कि राजा को हटा दिया जाए, वो चाहते कि राजा जो है वो उत्तरदायी हो जनता के प्रति, और वो एक संस्थान के माध्यम से हो,
वो प्रजामंडल आंदोलन चले। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन जो है वो मोटे रूप में माने जाते हैं। 30 के दशक में उन्होंने पकड़ी आवाज, और पहला जो मुकाम उसका आता है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले प्रजामंडल आंदोलन, उसके बाद में तो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही 8-10 अलग अलग स्टेट, जितनी बड़ी बड़ी स्टेट है वहां पे जो चले, चाहे जयपुर का प्रजामंडल हो, जोधपुर का प्रजामंडल हो, बीकानेर का हो, ठीक है, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल हो, तो ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट है वो आपको डिटेल में करना है, कौन नेता थे, उनकी क्या क्या मांगे थी, ये आपको जो है रट्टा मारना पड़ेगा, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर एवरग्रीन है राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के चरण, कौन प्रमुख बनता है, कौन उप प्रमुख बनता है, उसकी डेट्स क्या क्या, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, वो आपको ढंग से याद करनी, ये इसमें आपको जो है रट्टा मारना पड़ेगा, एक एक पेज का मसाला है इनका सबका। हिस्ट्री खत्म। अब कल्चर, कल्चर में वही वास्तु संगीत वगैरह वगैरह। तो ये पहला टॉपिक है राजस्थान की वास्तु परंपरा। वास्तु परंपरा में मंदिर है जो, अब मंदिर भी दो तरीके से आपको पढ़ने हैं, पहले पढ़ने हैं कि ऐसे मंदिर जो कि उत्खनन में मिलते हैं, जैसे झालारपाटन का, जो झालारपाटन का शीतलेश्वर महादेव सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है, तो उस एंगल में पढ़ना। एक तो प्राचीन मंदिर जो उत्खनन में मिले, ठीक है, जो ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंट है, और एक सांस्कृतिक रूप से जो है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। इन प्रसिद्ध मंदिरों में वैष्णव मंदिर, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और जैन मंदिर जो है, वो चारों कैटेगरीज में आपको देखने हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन। अब ये जो मंदिर है, जैसे प्राचीन मंदिर है, जैसे पढ़ते हैं, मंदिरों का प्रारंभ गुप्त काल से हुआ, क्यों, क्योंकि गुप्त काल से पहले मूर्ति कला प्रारंभ हुई, तो हिंदुओं की जो मूर्ति थी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए उसका जो है गर्भगृह बनाने लगे, फिर उसके ऊपर शिखर बना, शिखर के बाहर जो है फिर जो गर्भगृह के बाहर मंडप बना, मंडप फिर अलग अलग तरह के मंडप बने, भोग मंडप बना, नृत्य मंडप बना, कल्याण मंडप बना, फिर उनको जोड़ने के लिए अंतराल हुए, फिर उसके परकोटे बने, फिर आगे जाते हैं कि गुप्त पूर्व मध्य काल के बाद में जो है तीन कैटेगरीज बन जाती, नागर शैली के, बेसर शैली के, द्रविड़ शैली। वैसे ही राजस्थान में मंदिरों का प्रारंभ कैसे हुआ, तो मंदिर गुप्तोत्तर काल में बने प्रारंभ हुए, मरु गुर्जर स्टाइल कौन सी है, महामारू स्टाइल कौन सी है, पंचायतन शैली कौन सी है, ये आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो भी किताब आपने पढ़ी उसमें सीरीज में आपको देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा, फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपको इस तरह से पढ़ना है। फिर प्रसिद्ध मंदिर का मतलब है कि उस मंदिर की वास्तु विशेषताएं क्या क्या है, कौन सा पूरा मार्बल से बना है, किसमें स्लैब कैसी, कौन से जो एंट्री करते हैं, तो मकर वाहिनी, गंगा, कूर्म वाहिनी, यमुना वगैरह जो है वो आपको डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। जो भी किताब आपने पढ़ी मैं कराऊंगा, अगर मुझे समय मिला तो मैं भी आपको उसमें डिटेलिंग में करा दूंगा, लेकिन आपको ऐसे पढ़ने। किले जो है वही किले का 4 या 5 कैटेगरीज मानेगी, पारित दुर्ग कौन से, धनवंत दुर्ग कौन से हैं, जल दुर्ग कौन कौन से हैं, उनके अंदर दुर्गों की विशेषता, उस समय जो कौन से शाखे जौहर किसी में हुए, किसी में 3 हुए, किसी में 2.5 हुए, किसी में जो भी हैं, उनके शाखों के बारे में पता, उससे जुड़ी कोई कहानी हो, कोई ऐसा स्मारक हो उससे रिलेटेड, तो वो भी आपको जो है डिटेल में। किले आपने जब से राजस्थान पढ़ना आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, चाहे वो चित्तौड़गढ़ का हो, जैसलमेर का हो, किलों की कैटेगरीज वगैरह भी आपको ध्यान होनी चाहिए। महल जो है इसी के साथ डिटेल में पढ़ना है, किलों के अंदर ज्यादातर महल बने हुए हैं, तो महल के संबंध में कुछ फैक्ट्स जो है आपने जो भी किताब से पढ़ी वो आपको करनी। लेकिन अब आप पेपर सेटर हो, आपके सामने टॉपिक है, आप इनमें से क्वेश्चन नहीं उठाओगे, आप या तो इसमें से उठा लिया आपने, किले में से एक आधा क्वेश्चन उठा लिया, ये जो है ये वाटर स्ट्रक्चर, ये ध्यान खींचते हैं वाटर स्ट्रक्चर, बावड़ी, तालाब, सरोवर, कुई, ठीक है, तो ये जलीय संरचनाएं जितनी बनी है बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाली है, खास करके हाड़ौती के प्रदेश की, मेवाड़ के प्रदेश की, जिनकी यदा कदा चर्चाएं होती रहती है। तो राजस्थान अध्ययन की पुरानी वाली जो किताबें राजस्थान अध्ययन की जो चलती थी 11th-12th में, एक पूरा चैप्टर इस पे दिया, वो डिटेल में पढ़ना से पक्का सवाल आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5-स्टार क्वेश्चन इसमें से बनता है, बाकी तो है पारंपरिक है, सो है। फिर वास्तु से निकले चित्रकला में आए, अब चित्रकला जो है वो भी अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल, चित्रकला जो है वो कैसे हो सकती है, देखिए वैसे इसमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ राजस्थान पेंटिंग इसमें दिया है, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, चित्रकला की जो है वो राजपूत पेंटिंग, ये राजपूत पेंटिंग्स में अलग अलग इसके जो है स्कूल्स हैं, चाहे वो ढूंढाड़ हो, चाहे वो बूंदी का हो, चाहे वो मारवाड़ की शैली हो, ठीक है, चाहे वो चावड़ या मेवाड़ शैली की हो, ये तो हो गई राजपूत पेंटिंग्स, एक जो है वो क्लासिकल जो स्टेट के साथ स्टार्ट हुए, मुगल काल के पीरियड के साथ में, आनंद कुमार स्वामी नाम के एक श्रीलंका के एक विद्वान हुए, उन्होंने इंडियन पेंटिंग्स भी बहुत किया, उन्होंने राजपूत पेंटिंग्स वर्ड करा,
और वो कैसे पेंटिंग स्टार्ट होती है उसके साथ में, उनके चित्रकार कौन है, प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं, रंग कौन सा इंपॉर्टेंट है, उनका रंगों का संयोजन कैसे कैसे है, कैसे कैसे जो है धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ, एक तो टॉपिक ही पूरा है। ठीक है, इसमें आपको विशेष प्रकार के जो कहीं पे शिकार के ज्यादा, कहीं पे पीला रंग ज्यादा है, ठीक है, जहाँ पे बारहमासा रागमाला सेट कहाँ पर है, नासिरुद्दीन कहाँ पर है, ठीक है, निसारुद्दीन कहाँ पर है, ठीक है, साहिबुद्दीन कहाँ पर है, साहिब राम कहाँ पर है, वो सारे इसमें पूछेंगे, बनी ठनी वगैरह किशनगढ़ शैली उपशैली आ जाएगी। फिर कपड़े पर, लकड़ी पर, धातु पर, आइवरी यानी हाथी दांत पर, आंगन में, छत पर, दीवारों पर, बॉडी पर, चमड़े पर, इस तरह से कैटेगराइज कीजिए। और उनकी खास खास उस्ता क्या है ना, बस्से के उसके खिलौने में क्या होता है, गोदना क्या है, सांझी क्या है, और वगैरह वगैरह सारी इसमें पेंटिंग मुश्किल से 50 फैक्ट होंगे, जिस भी किताब से पढ़े एक बार पढ़ के आंख मूंद के और उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए किस तरह से आपको करना है। फिर हस्तशिल्प है तो चित्रकला पक्का पूछा जाएगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, चित्रकला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे इस टॉपिक खुलता है सबसे पहला जो है फेवरेट सवालों में किसी पेपर सेटर के ये रहता है। फिर उसके बाद में हस्तशिल्प, अब हस्तशिल्प का क्या है, फिक्स फॉर्मूला है इसमें, हस्तशिल्प वाले में आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से क्राफ्ट हैं जो धातु से जुड़े हुए, ऐसे कौन से क्राफ्ट हैं जो हाथी दांत से जुड़े हुए, ऐसे कौन से क्राफ्ट हैं जो बर्तनों से जुड़े, ऐसे कौन से क्राफ्ट हैं जो कपड़े से जुड़े हुए, उसमें भी बुनाई, रंगाई, छपाई, जो टिपिकल हस्तशिल्प जो है ना, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कमर्शियल नहीं है, इट्स नॉट वाणिज्यिक इंपॉर्टेंट, कमर्शियल इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो है हेरिटेज, हेरिटेज इंपॉर्टेंस है, विरासती दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन चीजों को ज्यादा आपको देखना है। तो आपको किसी भी बुक में लिस्ट मिल जाएगी, ब्लू पॉटरी से लेके पीतल के बर्तनों से लेके छपाई, सांगानेरी, बगरू, दाबू प्रिंट जो भी है, मलीर प्रिंट, वाड़मेर का प्रिंट जो कपड़ों, तो उसको आप कैटेगराइज करके याद करोगे जल्दी याद होंगी आपको, तो ये जरूर देखना आपको। फिर है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो कलाएं आपको निरंतर जो है आपको इम्प्रोवाइज करनी है, उसमें शास्त्रीय संगीत, अब शास्त्रीय संगीत के जो है वो तीन पार्ट है, गायन, वादन और नृत्य। ठीक है, अब गायन में आपके अगेन द्रुपद, ख्याल, ठुमरी और अन्य। ठीक है, अब इसमें जो आपके घराने जयपुर से रिलेटेड और मेवाती वगैरह घराने वो आपको देखने पड़ेंगे, गग्गे नजीर खां कौन है, मेवाती घराने का इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है। ठीक है, ये आपको कोई जैसे वैसे इसकी अच्छी क्लासिकल जो बुक आती है वो तो जयसिंह नीरज की, बाकी आपने कुछ जो गाइड नोट्स जहाँ से पढ़े अब उसे कैटेगराइज कीजिए, इससे क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, मतलब थोड़े टफ होते हैं। फिर है वादन, अलग अलग तरह के वादन है, तत्ववाद्य है, नदवाद्य, अवधन, अवनद, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, परकशन इंस्ट्रूमेंट, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है वैसे, उसमें ऐसे जो कि थोड़े से कम कॉमन है, ठीक है ना, मादल पूछ लेते हैं, खंजीरी पूछ लेते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी लिस्ट की कौन से तार से बजने वाले, बजा के बजाने वाले हैं, और वो उनकी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें से फिर भी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर नृत्य अलग से दिया हुआ है चूंकि यहाँ पे ये शास्त्रीय, अब हमारे यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य ना, पे एक ही शास्त्रीय नृत्य कथक है, बाकी सारे साउथ में और ईस्टर्न इंडिया में है, ओडिसी भी वहां नहीं है, भरतनाट्यम भी नहीं है, कथकली कुचिपुड़ी कुछ नहीं, यहाँ पे कथक है, कथक के दो घराने हैं, एक लखनऊ में एक जयपुर है, तो जयपुर वाले से रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य पूछा जा सकता है, बाकी शास्त्रीय नृत्यों में दिए अलग नृत्य नीचे दिए हुए। फिर लोक संगीत और लोक वाद्य, अब ये लोक संगीत, लोक वाद्य और ये वादन, ये आपस में जुड़े हुए हैं जो मैंने आपको बताया, तो चाहे वो सारंगी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो सिंधी सारंगी हो, उसमें गज कैसे लगता है, कितनी तारें होती है वगैरह, वो आपको डिटेल में उनके आपको वो भी मिल जाएंगे, फोटोज वगैरह भी मिल जाएंगे, कोई भी ढंग की किताब पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा बहुत देख सकते हो, इसमें से फिर भी क्वेश्चन बनते हैं। लोक नृत्य पे पारंपरिक सवाल है, 100-110 पॉइंट्स है टोटल लोक नृत्य के अंदर। ठीक है, लोक नृत्यों में जो क्षेत्र वाइज कौन से हैं, महिलाएं कौन सी परफॉर्म करती है, पुरुष कौन से करते हैं, कौन से अवसर पे करते हैं, होली पे कौन सा होता है, तो वो सारे लोक नृत्य आपने अब तक राजस्थान जी के पढ़ा हुआ इसमें आप कर सकते हो। वैसे वैसे ये जो है ये मेंस के इम्पोर्टेंट लोक नाट्य, आज टीवी है, सिनेमा है, सोशल मीडिया है, पहले टाइम में इंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था, 5 या 6 ही लोक नाट्य है,
चाहे वो तमाशा हो, चाहे वो ख्याल हो, चाहे वो रम्मत हो, ठीक है, तो वो उसमें पात्र कौन है, कहाँ उसको परफॉर्म किया जाता है, उनकी कथाएं कौन सी, मतलब उस फिल्म की स्टोरी कौन है, फिल्म के एक्टर कौन है और कहाँ कहाँ उसको परफॉर्म करते हैं, उस एंगल से देखोगे तो आपका शॉर्ट में हो जाएगा। हेला ख्याल को क्या बोलते हैं, कुछ अमनी ख्याल, तो ख्याल के भी आगे आगे पार्ट आ जाएंगे, उस रैंक से पढ़ना। ये सबसे टफ पार्ट है राजस्थान की तैयारी, जो नहीं करना, जिनको जिन्होंने नहीं पढ़ा उसमें, लेकिन आपको ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा। राजस्थान के आर्ट कल्चर का जो अगला पार्ट है वो है वो भाषा और साहित्य, ये नया जोड़ा गया है एक्सप्लिसिटली, पहले सिर्फ एक दो लाइन दी हुई थी। तो इसको करने के लिए आपको जो है जो चीज समझने की इसमें जो आवश्यकता वो ये कि ये राजस्थान भाषा और बोलियां, राजस्थान भाषा, ये इसमें पक्का सवाल आएगा। भाषा का मतलब है कि जैसे ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ये जैसे बड़े, उसके बाद में इनके उपविभाग है, इनकी जो है जैसे रांगड़ी कहाँ बोला जा बोली जाती है, ऐसे अलग अलग जो भाषाएं जो है उनकी उपशैलियां, एक तरफ भाषाएं मिल जाएगी और उनकी बोलियां मिल जाएंगी, वो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी कौन कौन सी किस किस की मिक्स है, ठीक है। तो एक तो ये आपको डिटेल में, ठीक है, फिर भाषा है, तो भाषा की उत्पत्ति जो है वो चाहे वो गुर्जरी अपभ्रंश से हो या सौर सैनी उपभ्रंश से हो। अभी देखिए क्या है सिंपल, ये हमारी भाषा बनी कैसे, सिंपल बस सवाल ये, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर प्राकृत आई, पाली आई, पाली के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से आगे जो है राजस्थानी भाषा मिल बनती है। तो वो कैसे बनी और धीरे धीरे वो कैसे उसने अपना आकार लिया, उसमें फिर क्या क्या कैसे कैसे जो चेंजेस वगैरह आए, तो सिर्फ दो या तीन लाइन के की बातें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, उसका डेवलपमेंट ध्यान रखना है, उसके बाद में ये कैसे, क्योंकि भाषा जो है लिखकर वैसे नहीं बनाई जाती, भाषा तो नेचुरल है, फिर उसको बाद में लिख के लोग जो है उसके नियम संबंध जो है चीजें बनाते हैं। तो ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन कम आएंगे, आएंगे तो इस पार्ट वाले में आएंगे, इसमें से कम आते हैं जनरली। ये जो है ना राजस्थान भाषा का साहित्य, ये ज्यादा पूछा जाएगा, इसमें भी आपको जो है डिंगल साहित्य जो है, चारणी साहित्य जो है वो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। डिंगल साहित्य में सूर्यमल मिशन, बांके दास आसिया, उसके बाद में एलपी टेसिटोरी, पृथ्वीराज राठौड़, ये चार पर्सनैलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाता है इनमें से, फिर दूरसा आडा वगैरह। तो राजा के समय में कौन कौन से डिंगल के साहित्यकार हुए, मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है राजवंश वाली उसमें मैंने दे रखा है, बस कम से कम वो चीजें आप इसमें से पढ़ लेना। अब ये लोक साहित्य, लोक साहित्य कैसा होता है, लोक साहित्य भी दो तरह का होता है, एक धार्मिक और एक धर्मेतर यानी सेक्युलर। और धार्मिक का लोक साहित्य का मतलब है कि किसी के वचन है, दादू दयाल के जो है वो जो प्रवचन दिए वो कहाँ पे मिलते हैं, जसनाती संप्रदाय के प्रवचन कहाँ मिलते हैं, विष्णुई संप्रदाय के प्रवचन इत्यादि कहाँ मिलते हैं, वो धार्मिक में आपको मिल जाए, मीराबाई से रिलेटेड वगैरह हो गए, जिनका कोई एक विशिष्ट लेखक नहीं हो, कि लोक समुदाय ने जिनको बनाया हो। और धर्मेतर का मतलब है कि केवल उनकी नहीं, जैसे बहुत सी जो आपको मिलेंगी डोंग जी जवाहर जी का की कहानी है, जिसमें धाड़ायत में प्रश्न में पूछा हुआ है इसके अंदर, तो ऐसे जो लोग हैं वो, या उसके कटार का धनी जो है अमर सिंह है उस पर, तो ये धर्मेतर कहानियां, ये भी आपको किसी भी कल्चर की बुक में आपको इसके बारे में मिल जाएगा, लेकिन आपका जो पढ़ने का एंगल है उस तरह से होना चाहिए, तभी आप चीजें जल्दी करोगे, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा डीपली जाओगे तो फिर आपका सिलेबस पूरा होगा नहीं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब ये धार्मिक जीवन, अब ये जो टॉपिक है ना, ये रिलीजियस लाइफ, क्योंकि राजस्थान में मध्य काल से ही जो है लोग देवी देवता संत योद्धा संत बन गए, उनका आज भी बहुत ज्यादा जो है राजस्थान की परंपरा में बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो उनको आपको एक एक करके कैसे लेना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धार्मिक संप्रदाय जो समुदाय है वो राजस्थान में कौन कौन, जैसे मैंने आपको विष्णुई बताया, जसनाती समुदाय बताया, अलग अलग रामदासी जो है वो मानने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो समुदाय है। फिर उसी में आपके जो इसी को आगे बढ़ा के इन्होंने करा है, जैसे इसमें जैसे क्या देख लिया आपने, सबसे इंपॉर्टेंट है विष्णु, फिर जसनाथ, फिर रामानंदी, फिर वल्लभ संप्रदाय, कबीर पंथी, दादू पंथी, परनामी, ठीक है, और भी हैं इनकी लिस्ट, तो ये तो आपको पढ़ना
पढ़ना पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट है। बस प्रवचन क्या है, संस्था पर क्या है, और भी आगे कोई हुई तो ठीक है, जैसे रामदेव जी के फॉलोअर वगैरह हो गए इसमें। फिर संत और संप्रदाय, ये राजस्थान के संत कौन से, दोनों संप्रदाय, तो ज्यादातर संप्रदाय और समुदायों से जुड़े हुए हैं, जो धार्मिक समुदायों से जुड़े हुए हैं, रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो आगे उन्होंने निकाले वो आपस में मिलते थे, तो संत आपको देखने वही संत है, इनसे रिलेटेड है जिन्होंने अपने वो करा। तो और फिर लोक देवी देवता, बहुत से ऐसे लोग जो थे वो शास्त्रीय धर्म में नहीं समझते, तो उन्हीं में से जो लोग निकले आगे उनको शास्त्र जोड़ दिया, तो लोक संत, लोक देवी और देवता। लोक देवताओं में चाहे रामदेव जी हो, हड़बू जी हो, पाबू जी हो, तेजा जी हो, वो सब इसमें आएंगे। तो आपने शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया, इनको इतना ही टाइम देना जितना बाकी म्यूजिकर उनको देना, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना इसको, केवल मोटी मोटी बातें आपको पढ़नी है कि बैंकटी वाले चाहे मल्लीनाथ जी का हो, हड़बू जी का हो, वो थोड़ा सा। और लोक देवियों में करणी माता, जीण माता, बाण माता, ये जितनी भी लोक देवियां हैं, बस वो इनका जन्म, उनके जन्म से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात हो रखी हो या कोई पॉलिटिकल इनसे जुड़ा, जैसे करणी माता ने जो है वो बीकानेर के किले का भी की स्थापना भी करी और जोधपुर के किले की भी करी, ठीक है। तो उनके मंदिर को क्या कहा जाता है, उनसे संबंधित जो धार्मिक साहित्य उसे कहा जाता है, उनके धार्मिक अनुयायी को क्या बोलते हैं, उनका मेला कब भरता है, वैसे ही सबका आपको उसी रेंज में समझना है। अब राजस्थान में ये सब होने के बाद में सामाजिक जीवन जो है, सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मेले त्योहारों में आपको मेले जो है वो धार्मिक और गैर धार्मिक, गैर धार्मिक में खासकर पशु मेले आते हैं, पशु मेले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में त्योहार है, तो त्योहारों को आप ज्यादातर जो है वो हिंदू त्योहार है, जैनों के, बौद्धों के, मुस्लिम त्योहार कम पूछते हैं, सिखों के कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा हिंदुओं के भी अगर आप देखोगे तो आगे एक शुक्ल पक्ष में डाल दो, एक कृष्ण पक्ष में डाल दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर जो है आपको भाद्रपद में मिलेंगे, तो एक लिस्ट बना के और आपको मोटा मोटी जो है वो चीजें करनी पड़ेगी। अब लेकिन इसमें से सवाल जो है जनरली जो है वो त्योहारों में आज तक ज्यादातर जो पूछे गए हैं वो तीज इत्यादि पे ज्यादा, तीज या गणगौर के इर्द गिर्द घूमते जाते हैं सवाल, और बाकी जनरली कम आते हैं, चाहे वो एकादशी से, सॉरी प्रतिपदा से स्टार्ट करें, भाई दूज से हो, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, गणेश चतुर्थी हो, नाग पंचमी हो, ऊब छठ हो, सप्तमी, शीतला सप्तमी हो, नाग क्या अपने कृष्णाष्टमी हो, नवमी हो, रामनवमी हो, विजयदशमी हो, एकादशी हो, द्वादशा, त्रयोदशी हो, तो जो भी त्योहार है वो कौन से दिवस को कब से मनाए जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही वो डिटेलिंग वाला है, तो नॉन राजस्थान करने वालों के लिए ज्यादा प्रेफरेंट नहीं है, मैं करूंगा कि जिन्होंने राजस्थान पहले कम पढ़ा हुआ है, तो त्योहार आपको बहुत मुश्किल से याद होगा, सवाल इतने ज्यादा आते हैं तीज और गणगौर पे ज्यादातर आते हैं। मेले भी जो पशु मेले ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी जो है वो मेलों का थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मेलों की भी इंपॉर्टेंस जो है वो त्योहारों पे, त्योहारों की थोड़ी ज्यादा है, मेलों की थोड़ी कम है, तो ये ठीक ठाक पढ़ सको, ठीक है, नहीं छोड़ देना। अब सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज का क्या मतलब है, सामाजिक रीति रिवाज का मतलब है कि आपके विवाह और मृत्यु तक, ठीक है, सॉरी जन्म और मृत्यु तक, और मृत्यु तक के बीच के जितने भी इवेंट है उनमें क्या क्या प्रथाएं फॉलो की जाती है, तो तीन ही इंपॉर्टेंट है, जन्म करण और मरण, इनसे रिलेटेड क्या क्या जो है टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जन्म के समय में जो है कौन सा कपड़ा लाया जाता है, कौन से गाने गाए जाते हैं वगैरह वगैरह, विवाह के समय में वधू की तरफ से क्या, वर की तरफ से क्या क्या खास परंपराएं हैं, वो मृत्यु के समय में क्या क्या किसका वाचन किया जाता है, फिर किस तरह से उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है, ये भी टिपिकल राजस्थान की खांटी चीजें पूछी जाती है। अगर इसमें सवाल आएगा तो आएगा, नहीं तो इसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, इस पर ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, परंपराओं पर भी नहीं करना है, क्योंकि याद नहीं कर सकते इसमें, छोड़ो उसको। वेशभूषा और आभूषण, एक फोटो आता है पुरानी गोपीनाथ शर्मा की बुक है, उसी को ज्यादातर लोग छाप छाप कर रहे हैं, उसमें कुछ गहने दे रखे हैं फोटो के हिसाब से, अगर लेडीज है उनको याद हो जाती है, गर्ल्स को याद हो जाए तो ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे कि हमको याद हो, हालांकि इसमें सवाल आते हैं कि कौन से पार्ट का कौन सा गहना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं बैठ रहा, आपके माइंड को जो है वो किसी तरह से वो सेट नहीं हो रही चीजें, तो छोड़ो उसको, उसके लिए ज्यादा आफत मत पालिए, कर लो तो ठीक है, बस वो मैं आपको बता दूंगा, उस फोटो देख लेना, उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। अब जो इजी जिनमें सवाल ज्यादा आते हैं वो आता ही है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, क्या मतलब है इसका कि इसमें वो व्यक्तित्व ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि या तो राजनीति से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड, और वर्तमान वाले में पूछे जाते हैं पद्मश्री,
जिनको मिला है पद्म भूषण, मेंस और दोनों दोनों, और पद्म विभूषण, और या किसी को खेलों में स्पोर्ट्स वगैरह में मिला होगा, खेल साहित्य कला ये वाले, बस ये पूछा जाता है। तो ये राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें आर्ट कल्चर और हिस्ट्री में आपको केवल 50-60% चीजें ही कवर करनी, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, जिनमें सवाल एक आधा आ रहा है, छोड़ दीजिए आप उसको। हमारी जो तैयारी है वो औसत होनी चाहिए। औसत का मतलब ये है कि हम 50-60% कर लेंगे सिक्योर, हमारा प्री अपना हो जाए। अब ये भारत की इतिहास, भारत का इतिहास में जो आपको टॉपिक है, नाम दे रखा है भारत की सांस्कृतिक आदर्श, कल्चरल ही ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं आज तक, पॉलिटिकल बहुत कम है। तो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री को साइड में रख दो, पॉलिटिकल में एक दो पॉइंट्स पे पूछा, बाकी कल्चर, कल्चर का मतलब रिलीजन, फिलोसफी, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो जो चीजें हैं वो ज्यादा पूछी जाएगी। अब सिंधु है तो सिंधु काल इसमें दे रखा है। अब सिंधु काल में जो चीजें सबसे ज्यादा आपको जो देखनी है वो जो देखनी है, इंपॉर्टेंट स्थल देखने, स्थल में भी आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, अभी इंपॉर्टेंट रहा था इसलिए इस पर ज्यादा सवाल आने के समान है, कालीबंगा, बस ये तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बाकी पीछे मत बोलना। बाकी इसका जो है धार्मिक योगदान, धार्मिक योगदान, और इसके बाद में इनके जो है इनकी नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग, बस ये तो इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। बाकी चीजें बहुत याद करोगे तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ते रहिएगा। फिर आ गया वैदिक काल, वैदिक काल में आपको वैदिक साहित्य, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन ये पढ़ना आपको, सामाजिक परिवर्तन यानी ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कैसे चेंज हुआ, स्त्रियों की स्थिति में, परिवार की स्थिति में, विवाह की प्रथाओं में, संस्कार 16 संस्कार कैसे आए, ठीक है वगैरह, वो आपको इसमें मेन डिटेलिंग में आपको ये देखना है। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में आप दास रागी युद्ध देख सकते हो, थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो इसके अलावा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीजें करोगे तो फिर आपको याद नहीं होगी। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद में 6th century BC आते, 6th century BC में इन्होंने खुद ने दे दिया है कि इन्होंने श्रमण परंपरा और जो है ये आपकी उसके धार्मिक विचार, पहले वाली जो परंपरा है वो ब्राह्मण परंपरा है। अब 6th शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोगों ने जो पहले की बातों को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये श्रमण परंपरा आ गई। श्रमण परंपरा में आजीवक है, आजीवक पे सवाल बन सकता है, आजीवकों की संस्थापना कब हुई, किसने की, ठीक है, उनके विचारों में और बाकियों में क्या फर्क है, थोड़ा सा आपको। 6 संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं इंपॉर्टेंट जो है वेदों के विरोधी, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन संदेहवादी है, कौन यदृच्छावादी है, कौन रैंडमिज्म को मानता है, कोई संदेहवादी के अलावा कोई जो है संशयवादी है, कोई जो है वो अज्ञेयवादी है, तो उनमें एक आजीवक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो ये, फिर बौद्ध और जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पूरे में सबसे ज्यादा सवाल इसमें से आएंगे। दोनों में क्या आपको पढ़ना है, दोनों का जीवन, उपदेश, स्थान, साहित्य, योगदान, संगीतियां, ये पढ़ना, इनका दर्शन, इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ना। उसके बाद में 6th century BC खत्म हुई, मौर्य काल का प्रारंभ होता है, तो इन्होंने सांस्कृतिक आधार के बाद में अगर इसमें देखा जाए तो ये मौर्य काल, कुषाण, ये वंश इसमें दिए हुए हैं, जो हमने इसको बांटे हुए इस तरह से। अब इसमें ये दे रखा है मुख्य प्रमुख राजवंशों के शासकों की उपलब्धियां, ये यहां पर ये पॉलिटिकल, अब इसमें आपको चंद्रगुप्त और अशोक, दो कुषाणों में केवल कनिष्क याद रखना और कुछ नहीं। सातवान में आपको गौतमी पुत्र सातकर्ण, गुप्तों में 3 राजा इंपॉर्टेंट है, पहला जो है वो है आपके समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा स्कंदगुप्त, बस बाकी चंद्रगुप्त फर्स्ट उससे पहले वगैरह कोई इंपोर्टेंट नहीं, पूछे और पूछे लेकिन फिर वो आएंगे तो फिर छोड़ो उसको। चालुक्यों में
अब चालुक्यों के क्या है, अलग अलग शासक हुए इस काल में। अगर देखा जाए चालुक्यों की चार शाखाएं हैं, बादामी जिसको एहोल शाखा बोलते हैं, एहोल, उसके बाद में वेंगी, वेंगी के बाद कल्याणी, कल्याणी के बाद में गुजरात, ये चार है। इसमें आपको पुलकेशन, पुलकेशन जो हर्षवर्धन के समकालीन थे उस पर एक आधा सवाल, वेंगी का विष्णुवर्धन है कोई सवाल नहीं बनता, कल्याणी में विक्रमादित्य शिष्य बस, और गुजरात में राजपूतों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो है कुमारपाल, मूलराज, भीम वगैरह के लिए पढ़ते हैं, वो उसमें पढ़ लिया, इसमें कोई नहीं पूछा जाएगा। फिर पल्लव, पल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्लवों में, अच्छा ये जितने भी हैं उनमें इंपॉर्टेंट संस्थापक हमेशा याद रखने आपके, ठीक है। तो पल्लवों में सिंह विष्णु के बाद में जो इंपॉर्टेंट अगर इसमें आपको देखना है वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, ये दो राजा आपको ढंग से याद रखने, बाकी छोड़िए आप कुछ नहीं। फिर प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियों में ये प्राचीन भारत में कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको देखिए बौद्ध, जैन और हिंदू, बौद्धों में स्तूप, चैत्य गुफा या गुहा और स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से करने हैं आपको। जैनों में मंदिर, हिंदुओं में मंदिर, ठीक है। अच्छा मंदिरों में भी इसमें जैसे एक सेकंड, इसमें जैसे बौद्धों की मूर्तियां हैं वैसे इसमें भी मंदिर, मंदिर के बाद मूर्तियां, मंदिरों में फिर तीन शैलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, नागर, बेसर और द्रविड़, ये जरूर करना है। तो इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये खासकर चीजें आपको जरूर करनी है। उसके बाद में फिर भाषा एवं साहित्य का विकास, भाषा एवं साहित्य का विकास जो इन्होंने दिया है अलग से दिया हुआ है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। संस्कृत में कालिदास, भास, भारवी, माघ, बाण, बाणभट्ट। प्राकृत में एक किताब है जो लिखी है हाल ने, गाथा सप्तशती, ये किताब जनरली पूछी जाती है, बाकी छोड़ दो। तमिल में संगम साहित्य, संगम साहित्य में भी आपको पूछ, तीन तो आपको महाकाव्य पढ़ने, इसमें इसी में ज्यादातर सवाल आएंगे। पहला है आपका शिल्पाधिकारम, दूसरा मणिमेकलई और तीसरा है जीवक चिंतामणि, सीवक चिंतामणि बोलते हैं इसको बस। बाकी इसके अलावा आपको एक किताब है संगम साहित्य की कुरल, एक है तोल का पियो, बस ये किताबें पढ़नी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ू। अब दिल्ली सल्त, मध्यकाल यहां से प्रारंभ, मध्यकाल में आपको क्या क्या देखना, सल्तनत का प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, इसमें सारे सल्तनत के शासक पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तीन शासक इंपॉर्टेंट है इसमें, इल्तुतमिश एक, अलाउद्दीन खिलजी दो, इसमें भी थोड़ा बलबन भी थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, लेकिन चांस कम है बलबन के, मोहम्मद तुगलक ये इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक जो है एफएसटी जिसको बोलते हैं,
फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोधी पढ़ सकते हो, लेकिन संभावना कम है इनकी, बाकी बहुत सारे हैं वो पढ़ सकते, ये लेकिन चार इंपॉर्टेंट आपको ढंग से देखने, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी पढ़ सकते हो, किसने कोई नगर बसाया, इनके समय में कोई नया डिपार्टमेंट वगैरह बना, लेकिन ये थोड़ा बहुत ये चार पांच शासक आपको ठीक से देखने। फिर विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां बिल्कुल दिया हुआ है, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है। विजयनगर आपको पढ़ना है तो आपको इस समय की पुस्तकें पढ़नी है, कौन सी पुस्तकें किस समय लिखी गई है, खास करके कृष्णदेव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कृष्णदेव राय और देवराय, देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड, ये इंपॉर्टेंट शासक हैं। इनके समय के जो नगर बने, कृष्णदेव राय पे आएगा सवाल 99%, फिर भी इसके अलावा कुछ आता है तो किताबें जैसे कृष्णदेव राय ने जामवंती कल्याणम लिखी, उषा परिणम लिखी, अमुक्त माल्यद इंपॉर्टेंट किताब तेलुगु की, वो पूछते हैं कौन सा शहर बसाया वगैरह वगैरह, वो सब पूछेंगे। तो ये बस इतनी इतनी चीजें इसमें आपको देखनी। फिर मुगल काल, अब मुगल काल यूं तो बहुत बड़ा है, राजनीतिक चुनौतियां हैं, सुलह का मतलब है कि समय समय पे क्या क्या राजनीति, तो दो राजा इंपॉर्टेंट है जिनकी राजनीतिक पढ़नी है, अकबर और औरंगजेब, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों, अकबर के विजय अभियान, विजय अभियान में अगर पहले मालवा से अगर स्टार्ट करेंगे तो मेन जो है वो गुजरात अभियान पूछा जाता है जनरली, दक्कन, कंधार, पर संभावना कम है इसमें, औरंगजेब के समय के विद्रोह पूछे जाएंगे और दक्कन के अभियान। अब ये देखो सुलह का मतलब है हल्दीघाटी की लड़ाई, अमर सिंह के साथ सुलह, हो सकता है उस एंगल में आपसे इसे पूछ ले, ठीक है। अब इन्होंने नीचे टाइटल में भी दे रखा कि इनकी चुनौतियां सुलह, अफगान, अफगानों का मतलब है हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई, तो वो लड़ाई जो है चाहे वो चौसा की लड़ाई हो वगैरह हो तो वो आपको इसमें देखनी। फिर राजपूतों के साथ हमने देख लिया, कुछ राजपूतों के साथ में इनकी अनबन थी, किसी का सुलह थी, किसी के साथ न्यूट्रल था, वो राजस्थान की हिस्ट्री में देख लिया, इसमें आ जाएगा। दक्कन का राज्य और मराठा, दक्कन के राज्य मराठा में आपको शिवाजी और औरंगजेब, इनके समय का थोड़ा बहुत जो भी आपको आपको अभी जो मटेरियल पढ़ लीजिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस ये चीजें देख। अब भारत के इतिहास में मध्यकाल में प्राचीन और मध्यकाल का जो पार्ट है, मध्यकाल में भी कल्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें कला और वास्तु का विकास जो है, इसमें जो चीजें पूछी जाएंगी वो देखिए सल्तनत और मुगल, इसमें आपको दिल्ली के नगर और प्रारंभिक मस्जिद है, एक तो ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और मुगलों के समय में अगर आप देखोगे तो आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली, खासकर ताजमहल, ठीक है, ताजमहल पूछते हैं, हुमायूं का मकबरा पूछते हैं, ठीक, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना। बाकी विभिन्न मकबरे राजाओं के वो आपको ढंग से देखने, अकबर का हो, जहांगीर का हो, ठीक है, एतमादउद्दौला का मकबरा हो, औरंगजेब का खुद का हो, वो जनरली इसमें देखे जाते हैं, किस किस कलर का यूज हुआ, ताजमहल। जब भी वास्तु के विकास की बात आती है तो मुगल काल ज्यादा पूछा जाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है शाहजहां, बेबादिल खान ने तख्त ताउस बनाया वगैरह वगैरह, वो सारी। अब चित्रकला का मध्यकाल में, सल्तनत काल में कुछ चित्रकला का विकास नहीं हुआ, बुक्स में मिलेगा लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ना कभी आज तक जिंदगी में, ये सवाल आया। फिर आया चित्रकला का विकास आया, वो आया है मुगलों के समय में, तो मुगलों के समय में जो है अकबर के समय से आपको देखना है कि अपने हुमायूं अपने साथ में दो चित्रकार लेके आता है, और वो एक तो हुमायूं के समय के आए चित्रकार, दो चित्रकारों के नाम के साथ आए चित्रकार, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, दो जने आए। फिर अकबर,
अकबर का जरूर पूछा जाएगा। अकबर ने तस्वीर खाना बनाया, अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार और उनमें मेन आदमी कौन है वो, ठीक है। फिर जहांगीर पक्का है, जैसे वास्तु में शाहजहां वैसे जहांगीर पेंटिंग में है। जहांगीर के समय के पेंटिंग में जिन जिनको अवार्ड दिए, किसको नादिरुल उसर कहा, किसको नादिरुल जमा कहा वगैरह, तो जहांगीर बहुत इंपॉर्टेंट जरूर पूछा जाएगा। इसके समय के अबुल हसन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद में शाहजहां के समय में भी चल रहा है, औरंगजेब ने बंद करा था, उसका कोई सवाल नहीं। बस ये दो आदमी इंपॉर्टेंट है चित्रकला के नाम पे। कौन सी चित्रकारी पहली बुक कौन सी चित्रित करवाई, पेंटिंग छवि पेंटिंग कब बनने लगी वगैरह वगैरह देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर संगीत का विकास। अब संगीत का विकास अगर आप दिल्ली सल्तनत से अगर स्टार्ट करोगे तो अमीर खुसरो पूछा जाता है, फिर ग्वालियर का राजा मान सिंह, ठीक है, फिर सूफी परंपरा, फिर अकबर के समय में तानसेन बेजू बावरा इत्यादि आ गए, शाहजहां के समय में ताजखान वगैरह थे, ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला, ये संगीत का स्वर्ण काल माना जाता है। बस ये चीजें आपसे पूछी जाए इनके समय। उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सवाल सब ज्यादा आते हैं, वो भक्ति और सूफी है। तो भक्ति और सूफी में आपको जैसे धार्मिक योगदान जो है इसमें मेन, जैसे भक्ति का अगर देखें पूरे भारत में अगर देखेंगे तो पूर्वी भारत में जयदेव पे सवाल आ सकता है, जैसे गीत गोविंद लिखी चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो अलवार संत, नयनार संत, आचार्य संत, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ के। आचार्यों में आपके शंकराचार्य, हालांकि कुछ लोग उसे आचार्य नहीं मानते, रामानंद, निम्बार्क, वल्लभ, मध्वाचार्य, मध्व और लास्ट में रामानुज, ये दक्षिण भारत। पश्चिम में अगर आप देखोगे तो जो सवाल आएंगे वो आएंगे आपके नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये जो महाराष्ट्र आंदोलन चला। मध्य भारत में रामानंद ऊपर आ जाता है, रामानंद के शिष्य कबीर, नानक, ये तो हो गए। इसके अलावा आपके रैदास हो गया, सूरदास हो गया, मीरा जी हो गई, और उत्तर भारत में जो है वो नाथ और ऋषि परंपरा। बस पक्का सवाल आएगा इसमें। फिर सूफी में अगर सूफी आंदोलन जो है, अब बहुत सूफियों में चीजें आ गई, तो ये तो सूफियों की आपको शब्दावली पढ़नी पड़ेगी, तीन चार शब्द है, सूफ है, सफा है, विलायत किसको बोलते हैं, पीर किसको बोलते हैं, मुर्शिद किसको बोलते हैं, ठीक है, फिर विलायत किसको बोलते हैं, उनकी मकबूलात किसको बोलते हैं, दो चार शब्दावली आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर सिलसिले बहुत सारे हैं, 12 सिलसिलों में चार इंपॉर्टेंट हैं, चिश्ती है, सूरावर्दी है, कादरी है, नक्शबंदी, सारे याद नहीं करने, केवल आपको चिश्ती सिलसिला याद रखना है। और चिश्तियों में भी आपको एक तो अपने क्या नाम है अजमेर वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन, ये पढ़ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन, फरीद, बाबा फरीद और निजामुद्दीन वाली, ठीक है, और एक अमीर खुसरो भी अलग से पढ़ सकते हैं। बस फिर इसके अलावा दो इनकी फिलॉसफी है, वहादतुल वजूद, ये दो फिलॉसफी। बस इसके अलावा कुछ मत पढ़िया, आप देखिए इनके जो सूफी भक्ति तो पढ़े, इनमें मेन इनका जो है ना वो साहित्यिक योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक योगदान में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हुए, चाहे शंकराचार्य ने किताबें लिखी हो, रामानुजाचार्य ने किताबें लिखी हो, तो इनमें ज्यादातर साहित्यिक में जो भक्ति का पूछना है वो तो है ब्रह्म सूत्र की टीकाएं ज्यादातर ने लिखी है, वो जरूर याद रखना, टीकाएं जितने भी आचार्यों ने लिखी है, एक तो वो, फिर कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मतलब पूरा भक्ति काल, उसमें रसकान वगैरह सब आ जाए, मीराबाई, इनके ग्रंथ जरूर पढ़ने हैं आपको।
मतलब नाम किताबों के, और सूफियों में अगर आप पढ़ोगे तो मलफुजात जो उनके पत्र होते हैं अमीर खुसरो के, बस और कुछ नहीं पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ भी लगता है, बहुत इजी है, लेकिन अब आधुनिक भारत के विकास और राष्ट्रवाद, आधुनिक भारत के का विकास और राष्ट्रवाद सीधा दे दिया, 18 सेंचुरी पूरी छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना उसमें से, बिना मतलब बहुत बड़ा हेडेक आपका दूर हो गया। तो आपको 1800 से पढ़ना है। अब राष्ट्रवाद के विकास में एक तो आपको कांग्रेस से पहले की संस्थाएं पढ़नी है, पूर्व की संस्थाएं, ठीक है। बौद्धिक जागरण में तीन आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ये तीन तो पढ़ने हैं। इसके अलावा ज्योतिबा फुले और अंबेडकर, ये थोड़ा सा डिटेल में और देख लेना। प्रेस के विकास में केवल आपको शुरू के अखबार पढ़ने हैं, शुरू के अखबार का मतलब पहले अखबार, पहला भारतीय अखबार, पहला किसने हिंदी का किसने निकाला, ठीक है ना, बंगाल गजट किसने निकाला, उदंत मार्तन किसने, 5 अखबार है बस वो याद रखने, ठीक है। फिर पश्चिमी शिक्षा प्रारंभ, पश्चिमी शिक्षा का प्रारंभ इसमें जो है आपको शुरू में पढ़ने मिशनरी स्कूल, फिर 1813 का एक्ट पूछेंगे आपसे का एक्ट, मेकाले, मैं जो आपको बता रहा हूँ केवल वही पढ़ना, जो बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। मेकाले, मेकाला के बाद में आपके आ जाएगा 1854 का वुड्स डिस्पैच, 1882 का हंटर आयोग, 1902 का रेले आयोग, ये जो आयोग अगर आपको पढ़ना है। शिक्षा का, पश्चिम शिक्षा विकास जरूर पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट जरूर आएगा। अब 19वीं शताब्दी में बौद्धिक जागरण, 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार काफी कॉमन जो है ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तो वो भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या काम है। 19वीं शताब्दी धार्मिक सुधार में विभिन्न नेता, मैंने तीन आपको बताए, ज्योतिबा फुले बताया, बी आर अम्बेडकर बताया, और भी 4-5 लोगों के नाम आपको, गोपाल अली देशमुख वगैरह, कृष्ण गोखले वगैरह, वो जो नेता थे उन्होंने संस्था है, कौन सी संस्था बनाई, जैसे सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले ने बनाई, बस वो एक 8-10 जनों की लिस्ट है, वो रट्टा मार। अब स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हमें जो समझनी है वो ये कि ये जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन है वो बहुत इंटीग्रेटेड है, तो इसके 4 पार्ट लेके आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है 1885 से पहले, एक तो ये पार्ट है, दूसरा 1885 से 1905 ये वाला पार्ट, तीसरा 1905 से 1917 और एक 1917 से 1947। अभी इंटीग्रेटेड है सारा, इन्होंने खुद ने तोड़ ही दिया, फेजेस पूछ रही है, 4 फेज हो गए। धाराएं, अब धाराएं क्या क्या होती है इसमें, धाराएं जैसे राष्ट्रवाद की धारा, ठीक है, धर्मपंथी धारा, उग्रवादी, चरमपंथी, चरमपंथी का मतलब जो भगत सिंह वगैरह, ठीक है, फिर गांधी जी की, फिर साम्यवादी, समाजवादी, ये धाराएं अलग अलग, तो इनके मेन लीडर वगैरह कौन थे, फिर महत्वपूर्ण योगदानकर्ता जो है इन लीडर्स में आ जाएगा, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में योगदान। तो स्वतंत्रता आंदोलन के 3 पॉकेट्स हैं, एक बंगाल है, एक पंजाब है और एक जो है महाराष्ट्र का है। तो ये इनमें जो पूरे भारत का जब देखते हैं तो इसमें इसके अलावा साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, रियासती भारतों में क्या चला, छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें बनते हैं। तो बस स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ो तो आप एक महीने में पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने जो है बिल्कुल फोकस कर दिया, लेजर फोकस कर दिया, ये पोर्शन आप उठाने, आपको शर्तिया सवाल मिलेंगे, तो हम इसको करेंगे, टाइम आ जाएगा जब तक, लेकिन तब तक आप जो है शॉर्ट शॉर्ट में इनको निकाल लीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या क्या आप इससे आपसे पूछे जाएंगे, एक तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1885 से पहले की संस्थाएं, चाहे वो इंडिया लीग हो, इंडियन एसोसिएशन हो, 1885 से पहले के। फिर इसमें आप एक चीज नोट करोगे कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में कुछ भी एक्सप्लिसिटली बोला हुआ नहीं है, तो 1857 के विद्रोह को सवाल आए इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कुछ ऐसे दिया हुआ नहीं है। इन्होंने स्टार्ट करा है कि 19वीं शताब्दी से लेके और 1964 तक इसमें स्वतंत्र संघर्ष विभिन्न अवस्थाएं पूछी है,
क्लियरली जब नहीं लिखा होता है तो या तो पेपर सेटर बहुत अच्छा हो, समझने वाला हो कि 1857 इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे अगर विभिन्न अवस्थाएं मांगे माने और चर 1885 से पहले के काल माने तो 1857 आ जाएगा अपने आप, लेकिन क्लियरली नहीं दिया हुआ तो इसलिए दिक्कत है। तो कांग्रेस से पहले की संस्था है, उसके बाद में जो नरमपंथी नेता उनकी कौन सी अखबार वगैरह, फिर 1905 का सम्मेलन, 1906 का, 1907 का कांग्रेस के पहले सम्मेलन, कौन से में मुस्लिम रहा, कौन से में ब्रिटिश रहा, कौन से में यूरोपियन रहा, कौन से में इंडियन जो है महिलाएं रही, उनमें क्या क्या चीज, फिर 1905 का, फिर 1906 का जो है वहाँ के कलकत्ता का, 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत का, उसके बाद फूट पड़ गई सूरत की। तो ये जो बड़ी बड़ी घटना है, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद में गांधी जी का आना, गांधी जी ने सबसे पहला भाषण कहाँ दिया, गांधी जी की पब्लिक प्रेजेंस कहाँ आई, चंपारण वंपारण, ये जो आंदोलन चले, तो बिल्कुल ऐसे एक एक स्टेप है, तो 50 स्टेप है उसमें सारा आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो जाएगा। अब जो ये लास्ट जो पार्ट है वो है ये स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1947 से लेके और 47 से लेके 1964 तक का काल है, 1964। अब ये नेहरू जी का काल, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, फिक्स क्वेश्चन इसमें से आने हैं। पहला, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमने जो संविधान के अंदर ए बी सी डी, ए से लेकर डी कैटेगरी के राज्य बनाए, फिर उनमें आपस में लड़ाई चली, तो 1948 में जो है वो हमने धर कमीशन बनाया, एक सवाल इससे बन सकता है। 1949 में हमने एक जेबीपी कमेटी बनाई, साहब एक सवाल इसमें बन जाएगा। फिर जो है पी सी रमालू ने सुसाइड वगैरह कर लिया, तो 1952-53 में जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद में जो है 1956 में जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आ गए, एक्ट आ गया, सातवां संशोधन हो गया संविधान में। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, और उससे लेके 56 में जब बने तो 14 तो आपके राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिसको यूटीज कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज। तो फिर कैसे 14 से बढ़ के जो है इनकी संख्या वर्तमान तक होगी, तो ये फिक्स क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा इसमें कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, इसमें सीधा लिखा है कि राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, तो आंध्र प्रदेश कैसे बना वगैरह वगैरह। फिर नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में संस्थाएं बनाई। अब संस्थाएं किस किस में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, डीआरडीओ है, इसरो है, आईआईटीज है, शिक्षा में भी आ जाएंगे साथ में, ठीक है। फिर डिफेंस में क्या क्या बनाई, ठीक है, डिफेंस के अलावा जो है एजुकेशन में क्या क्या बनाया, फिर हमारे जो है जो राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी बनाई, संवैधानिक भी कह सकते हैं इनको। तो जो भारत के निर्माण में उसे, चाहे यूजीसी बना हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की गई हो, शिक्षा आयोग की स्थापना हुई हो, जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम, आईआईएम की स्थापना हुई हो, आईआईटीज की स्थापना हुई हो, डीआरडीओ की, इसरो की, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस की हुई हो, जितने भी बड़े बड़े संस्थान है वो संस्थान इनमें उनके वो आते हैं। फिर विज्ञान और तकनीकी विकास आधा इसमें आ जाएगा कि हमने फैल स्पेस के लिए क्या काम स्टार्ट करना स्टार्ट किया, न्यूक्लियर के लिए काम किया, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर रिसर्च हुई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह बने, वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिक्स क्वेश्चन है, इसके आधा आधा पेज के इसके नोट्स में आपको काम चल जाएगा। तो आप आराम से जो मैंने आपको टॉपिक बताए, पहला पार्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर और इंडिया की हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, ये आप मतलब 7 दिन में एक बार पूरा पढ़ के और 5 बार रिवाइज कर सकते हो, फिर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद में सेकंड पार्ट जो हम इकोनॉमिक्स का करेंगे वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। शुक्रिया।